असलकम वल् वबरकू तजवीदर के एक और प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इन शाह सबसे पहले तिलावत कुरान करीम करते हैं और फिर चंद आयात को कुरान के साथ सिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे इसी तरह से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी मिसालों के साथ चंद मिसालों के साथ कुरान के तजवीद और नाजरा को बेहतर करने की कोशिश करेंगे سبسه پہلے تلاوة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أَيَّا مَنْ معدودات فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدْتَهُ ۖ او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان. وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه. هُدًى للناس، هُدًى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريدا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصبح صيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى واشربوا حتى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم صيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فريقا من أموال الناس بالإثم. मेवा तुम क़ुरान करीम की चंद आयत की तलावत की गई है अब आइए चंद आयत को तजवीद के साथ अलग अलग हरूफ़ को लेकर हम सिखाने की कोशिश करते हैं अब इसलाहत का हम ज़िक्र करेंगे और सबसे पहले मदे मुनफसल है इसको छोटी मद भी हम कहते हैं उसके बाद दाल को नरम पड़ना है याब मद्दा है यहाँ पर इसी तरह फतह इशबा है वाह मद्दा है आइन हरुफ हल्की है यालीन है यहाँ पर सौद को पुर करना है अलिफ़ मद्दा है फिर अलिफ़ मद्दा है यहाँ पर इसी तरह से आइन जो है रुप हल्की हल्क से अदा करने की कोशिश करें दाल फिर नरम होगा या मद्दा है यहाँ पर और यहाँ पर अफ़ा जो है नून साकिन का अफ़ा होगा और मीम साकिन का इज़हार होगा यहाँ पर इसी तरह से मीम सा का फिर इज़हार होगा और इसी तरह से यहाँ पर वाव मद्दा है और यहाँ पर हम वक्फ़ करने की वजह से मध्य आरिस वक्फी का कायदा यहाँ पर लागू होगा तो आइए अब चलते हैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जिसमें हम चंद मिसालों के साथ जो तजवीद और नाजरा को कुरान करीम को बेहतर करने के लिए किन बातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए बहुत ही आसान मशक़ है और बहुत ही ज़रूरी मशक़ है इसमें मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ़ में इम्तियाज़ करने की मश्क इम्तियाज़ का मतलब है कि अलग अलग करना या डिफ़्रेंश करना पहचानना तमीज़ करना इसी तरह से यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हमज़ा है हमजा और अलिफ ये जो अल्फ़ के ऊपर फतह इशबाइया देखते हैं ये अलिफ़ नहीं है बल्कि हमजा ही है क्योंकि अलफ़ कुरान में हमेशा खाली पढ़ा जाता है और अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत हो वो हमज़ा कहलाता है तो इसको हम पढ़ेंगे आलिम और ये क्यों सिखा रहे हैं क्योंकि आइन की भी आवाज़ यहाँ पर मिलती है और अगर आइन की आवाज़ होती तो हमज़ा के साथ भी आवाज़ यहाँ पर मिलने का ख़शा था तो आलिम बिल्कुल आइन की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए आलिम इसी तरह से तलम फिर यहाँ पर आइन की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए बल्कि हमज़ा की आवाज़ आनी चाहिए अलिफ के ऊपर सुकून है तो हमज़ा की आवाज़ आएगी और थोड़ी झटके सी तालम आइन और आ देखें कितना फ़र्क है हमजा था और हमजा अलिफ का मतलब आ था और अब आइन है और आ कितना फ़र्क है देखें आलिम यहाँ यहाँ पर था आलिम यहाँ पर है कितना फ़र्क है हमज़ा और आइन में और इसी में जो है पढ़ने वाले ग़लती करते हैं तालम ऊपर देखें तालम है यहाँ पर आयन है तालम अब इसको हम एक और मश करते हैं लेकिन ऊपर वाले हरूफ़ को मिला के हमजा आयन हमजा अलिफ़ आयन अलिफ़ आ ये हरूफ मद है यहाँ पर लिखमद यहाँ पर नहीं है अगर हम यहाँ पर फ़तह डालते हैं तो मतलब हमजा मफतू लाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो आ की आवाज़ आएगी आलम आलम तालम तालम ता, लम, ता, ता तारिक अतुक् तर ता, ता, अतहर इसको अगर मिलाएंगे हम ता, 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 ता तारिक तर अतुक् अतुहर तो ये हरूफ़ हमने इस तरह से सीखे हैं अब और हरूफ़ की तरफ़ हम चलते हैं सा बिल्कुल नरम आवाज़ के साथ जैसे बताया गया था ज़ुबान के सिरे से और सामने जो बड़े दांत है उसके किनारे से ज़ुबान का सिरा लगाएँ सा नी ना, सीन, सा साकिन, असकुन, था सीन था सा था सा जो सीन है और शीन की आवाज़ थोड़ी सीटी से मिलती है सीटी वाली आवाज़ कहते हैं इसको हम उससे पढ़ते हैं लेकिन जो था है ये बिल्कुल नरम आवाज़ में बढ़ा जाएगा ता नी सा किन मथ तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इम्तियाज़ किया है किस तरह से हमने अलग अलग हरूफ को पढ़ा है सौद सौ सौ असबिर ह हा, हा ये जो सीन है और सौद इनकी भी आवाज़ें मिलती हैं तो ये इसी का हिस्सा था कि जो तीन हरूफ की आवाज़ भी मिलती है सा सीन सौद इनको कैसे पढ़ा है हमने ये आपने देख लिया असल में ज़रूरी है कि हरूफ वो हरूफ जो पुर होते हैं उनको याद रखा जाए तो इसमें सौद है ये पुर भी होता है तो उस लिहाज से भी सीन के साथ आवाज़ जुदा होगी और था के साथ भी आवाज़ जुदा होगी फिर इन दो हरूफ के बारे में याद रखने की इनकी जो आवाज़ है था की नरम है सीन की थोड़ी सीटी जैसी सख्त है, है। सौद की लेकिन जो है वो पुर है इसी तरह से अब आइए अब दो और हरूफ़ देखते हैं हम हा और हा दोनों हरफे हल्की हैं हा हलक के बीच में से आवाज़ अदा होती है और हा जो है के निचले तरफ आवाज़ अदा होती है अब देखें मिसालें हा हा, हा 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 किम आ कुम ये थोड़ी आवाज़ भारी होगी ताकि यहाँ से हम इम्तियाज़ करें और आवाज़ को जुदा पढ़ें हा 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 दी आ दी अब दाल देखें और दौद की आवाज़ में भी गलती कई लोग करते हैं दाल हमने इसको पुर नहीं पढ़ा बल्कि बारीक पढ़ा दाल और दा अब हम पढ़ेंगे दार रापुर होगा अदरी तो हमने दाल के बारे में क्या ख़्याल किया कि दाल को तो हमने पढ़ लिया लेकिन हमने पुर नहीं पढ़ा इसको हमने बारीक़ पढ़ा दौद की आवाज़ भी इससे थोड़ी मिलती है लेकिन हमने दौद को पुर करना है दौद कैसे पढ़ना है हमने जो ज़ुबान का हमारा आ, बाया किनारा है लेफ़्ट साइड वाला किनारा उसको ऊपर की दाढ़ के साथ लगाएं जो ऊपर दांत दा, है हैं हमारी दाढ़ और पुर करने की कोशिश करें जैसे दौद दा इसको क्या पढ़ा हमने दा ये क्या है बौ बौ मिर अदाफ़ु अफ़ु तो अब इसके साथ कौन से हरूफ़ की आवाज़ मिलती है दाल तो हो गया अब दाल है ज़ा है और गौ तो इनकी शक्लें मिलती हैं आवाज़ भी मिलती है शक्लें तो नहीं मिलती आवाज़ मिलती है और नुक्ते देखें यहाँ पर लगे हैं सबके ऊपर तो आवाज़ इनकी आपस में मिलती है दौद को हमने पुर किया और इसमें जो है जॉ पुर होगा बाकी जो दाल है और ज़ा है ये पुर नहीं होंगे और आवाज़ भी बिल्कुल अलग होगी दाल की आवाज़ नरम होगी और जा की जो है ये सख्त पढ़ी जाएगी आवाज़ वॉ की जो है नरम आवाज़ है लेकिन पुर है तो हम पढ़ लेते हैं दाल दा, दाकिर, जा ज़ाकिर अज़कुर जा जा, अजलामु सॉरी अजलामु अजलामुल दौ, दौ, कैसे पढ़ा हमने ये जुबान के जो सिरा है हमने सामने जो बड़े दांत थे उसके किनारे के साथ लगाया व और पुर किया व दा, म अवलम पुर भी करना है अवलम बहुत ज़रूरी मश्क है ये कौफ़ कौ गौ, कौ दिर अकर को हमने कल कला भी करना है और राह को पुर भी करना है और यहाँ जो रा है ये बारीक हो गया क्योंकि पहले कसरा है, अक कैफ अब देखें कौफ कैफ कौफ पुर होगा कैफ जो है बारिक होगा और हरूफ की आवाज़ भी मिलती है देखें कै कौ कै कैमिल तो नाजन कराम आपने देखा कि कितनी ज़रूरी मश्क थी ये और जो बुनियादी हरूफ तहजी हैं ये हम उनको अच्छी तरह से सीखने के नतीजे में ही हम इन मिसालों को सीख सकते हैं तो वो जो हरूफ तो तहजी हैं जो पहले भी प्रोग्राम्स में सिखाए गए हैं आप उनको इन प्रोग्राम के ज़रिए या कोई और भी अगर आपके पास ज़रिया है उसको सीख सकते हैं तो हरूफ तहजी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो अव्वल नंबर है कुरान करीम जो हरूफ तहजी के साथ ही बना हुआ है उनको तमाम मखारिज के साथ सीखेंगे तो साथ, साथ फिर जो कायदे होंगे उनको भी सीखने के नतीजे में हम कुरान करीम को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं तो उम्मीद है कि आप इसी तरह मश्क करते रहेंगे और क़ुरान करीम की तलावत को और तलफ को पहले से बेहतर बनाएंगे तो अब आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया है दीजिए इजाज़त इन शाह कल एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए असलकम वाला वबरकू